ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कब्जे से 45 किलो अवैध गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि डबरा की तरफ से 2 गाड़ियों में बड़ी मात्रा में अवैध गांजा ग्वालियर की ओर लाया जा रहा है, जिसके बाद डीएसपी क्राइम ने इसकी घेराबंदी की। तभी टेकनपुर की तरफ लगी पुलिस पार्टी को एक होंडई कार आती हुई दिखी, जिसे रोका तो उसमें बैठे 2 लोगों ने भागने का प्रयास किया तो उन्हें पकड़कर कार की तलाशी ली गई, जिसमें पिछली सीट के नीचे 7 पैकेट गांजे के मिले। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम शिवरतन राणा और सुनील शर्मा बताया। इनके कब्जे से 2,10,000 रुपए का 21 किलो गांजा बरामद हुआ। वही समुदन के पास लगी टीम को एक आयशर लोडिंग वाहन आता दिखा, जिसे रोककर तलाशी लेने पर उसके बॉक्स में 8 पैकेट रखे मिले, जिसमें 24 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 2,40,000 रुपए बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम मोंटी उर्फ जोगेंद्र सोनी एवं हरिओम प्रजापति बताए। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। 44 किलो गांजा जब्त हुआ है, जो कि 2 वाहनों से जब्त हुआ है। एक वेन्यू कार थी और एक लोडर आयशर वाहन था। ये दोनों वाहन उड़ीसा से आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पे इनको जोरासी घाटी के पास से पकड़ा गया है। और इसमें जो सुनील शर्मा और सुनील पराशर भी लिखता है, ये इस पूरे जो गांजे की खेप है इसमें लाने का मास्टर माइंड है। पूर्व में भी ये इस तरह का काम कर चुका है। और ये चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो लोडर वाहन है उसमें इन्होंने एक गुप्त बॉक्स बना रखा था, जो कि पीछे से देखने में समझ में नहीं आता था, और इसी में छुपा के ये अपना गांजे की खेप लाया करते थे।